कोरोना ने खौफनाक रूप ले लिया है। एक दिन में बहुत भारी हो रहा है। संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े दहलाने देने वाले हैं। कोरोना से इस युद्ध में वैक्सीन ही अंतिम विकल्प है। आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आज से टीकाकरण शुरू होगा। ऐसे में हर शख्स को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि जितनी जल्दी हो वैक्सीन लगाए, क्योंकि वैक्सीन से ही हारेगा कोरोना। देश में पहली बार 24 घंटे में संक्रमण के 4 लाख के पार हो गया है। और इसी के बीच एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आ रही है। खबर गुजरात से है। खबर है कि गुजरात में भरूच के हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में भीषण आग लगी है। 18 मरीजों की झुलसकर इसमें मौत हो गई। कईयों की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। भरूच शहर के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में लगी आग और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो टीवी स्क्रीन पर अपनी कि किस तरीके से भीषण आग लगी थी हॉस्पिटल में, अस्पताल में, और इसी के दौरान एम्बुलेंस मरीजों को शिफ्ट करती हुई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, और ये भयानक नज़ारा अस्पताल के अंदर का जहां पर ये कोविड वार्ड के अंदर ये आग लगी। करीबन बताया जा रहा है कि 18 मरीजों की इसमें जान जा चुकी है और कई लोग बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में है। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो कि किस तरीके से 3 अलग अलग विंडो में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे भरूच के कोविड अस्पताल में आग लगी है और कई मरीज जिंदा जले, हर तरफ अफरा तफरी। ये तीनों तस्वीर आपको दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी भीषण ये आग थी, कितना बड़ा ये हादसा था। 18 लोगों की इसमें मौत हो चुकी और कई मरीज जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हैं। भरूच शहर में जम्बूसर बाईपास रोड पर पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल की जो डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल है उसमें आज रात को तकरीबन 12:30 बजे ICU 1 यूनिट में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा दी गई और रेस्क्यू के बाद प्राथमिक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है इसके हिसाब से तकरीबन 12 लोगों की डेथ होने की संभावना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।